नशे की हालत में अगर तलाक दी जाए तो तलाक हो जाती है, हो जाती, ये याद रख लें ठीक। लेकिन उस फुकहा ने कुछ हुदूद और कयूद भी बयान फरमाई। अगर किसी को किसी ने पकड़ कर जबरदस्ती शराब पिला दी या कोई नशा दे दिया, फ्यून चर्स दे दी, अब वो पीना नहीं चाहता था, या फिर ये धमकी दी कि पी वरना तुझे फायर मार देंगे, तेरा कोई जिस्म काट देंगे, अब वो मजबूर हो गया बेचारा, उसने पिया, ऑल फॉल बकने लगा और बीवी को तलाक कह दी। अब इस सूरत के अंदर बीवी को तलाक नहीं होगी। सही। वो शराब जो खुद वो पिए और उसका आदि बन जाए, मतलब खुद इस्तेमाल की है और घर आया बकने लग पाए, तो उससे तलाक हो जाएगी। समझ आए? इसी तरह फुकहा ने एक सूरत यह भी लिखी है कि अगर वो मरने के करीब था, कोई पीने वाली चीज नहीं थी, शराब थी या कोई ऐसी नशे वाली को पी के जान बचा सकता है, उसने उतनी ही पी, लेकिन वो भी उसने उसके दिमाग को चढ़ गया, ऑल फॉल बकने लगा, तलाक दे बैठा, तो अब इस सूरत में भी तलाक नहीं होगी। वरना ये जो नशई बंगी चरसी होते हैं घोटे पीने वाले, ये अगर शराब की सूरत में कह देंगे नशे की सूरत में, तो बिल्कुल तलाक हो जाएगी। जो दो सूरतों का इस्तिस्ना था मैं वो वाज़े कर चुका। दूसरी बात, गुस्से में तलाक होती है। ओ भाई, ईद वाले दिन नया कपड़ा पहना के 10,000 ईदी दे के कौन तलाक देता है, ये भी तो बताओ ना। गुस्से में तलाक हो गई, गुस्से में ही होती है। प्यार के साथ कौन देता है? ओ बाश, क्या बात, आज आपने बड़ा खूबसूरत काम, बड़ा खाना, और जाओ मैं तुझे तलाक देता। अब जाहिल कौन देता है ऐसे? समझ आ रही? दूसरी बात समझने वाली ये है, फुकहा ने उस गुस्से की तारीफ भी फरमाई है कि उस वो गुस्सा कौन सा गुस्सा है जिसमें तलाक होती है, ये भी तो समझने वाली बात है ना। तो फरमाया कि वो गुस्सा जिसके अंदर उसे अपने पराए की बिल्कुल पहचान भूल जाए। ठीक है, बस औकात होता कि नहीं, जब मुझे गुस्सा आया तो मैं कांपने लग पड़ा। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है कांपता ही तो है, और क्या करता है? जब तुझे बुखार होता है तू कांपता ही तो है, और क्या होता है? तो ये कांपना ये शर्त नहीं है जी। समझ आ रही है जी। वो गुस्से की वो कैफियत, उलमा ने एक लफ्ज लिखा वहां पर, फरमाया बंदे की हालत पागलों जैसी हो जाए। सही, ये बड़ा काबिल गौर हाफिज साहब, बंदों की हालत है पागलों जैसी हो जाए। जब इस कैफियत पर पहुंच जाए फिर वो तलाक दे बैठे तो तलाक नहीं होगी। तो बसाओ कात उसको अच्छा भला, और इसमें फुका ने एक बड़ी पकड़ फरमाई, गुस्से की हालत में तलाक दे दी। भाई तूने तलाक भी दी, तुझे पता है मैं तलाक दे रहा हूं जी। तूने बीवी को दी, तुझे ये भी पता है मेरी बीवी है, तुझे ये भी पता है कि मैं एक या दो या तीन मर्तबा दे रहा हूं। समझ आ रही है? और फिर तुझे ये भी पता है कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। अबे हर चीज तो तेरे सामने है, अब तू झूठ बोलता है, अपनी बात छुपाना चाहता है। तो ये गुस्सा मुस्सा नहीं है, ये ड्रामा अब स्टेट फायर किया है ना, तो अब जब तेरे ऊपर FIR हुई है तो अब तू भागता है। अब इस बात को जरा संभाल ना, अब लेना चस्के, हूं रहे ना कल्ला, तेन फिर लग पता जावे। तो इसी वास्ते फरमाया कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि बाद में फिर ये कहना पड़े कि मैंने गुस्से में दी है, या ये कहना पड़े कि मैं नशे में था। ऐसी बात नहीं, सूरत में वाजे कर चुका हूं।